प्रिंस जी, प्रिंस जी बहुत अहम बात की है प्रेम कुमार जी ने, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात भी है वो। वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे रार पर? पहले तो नमस्कार संजय जी, बाकी मीडिया पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। अच्छा, ऐसा है कि जो प्रेम कुमार जी ने बात की है वो बिल्कुल उनकी जो है अपने सोचने के पक्ष से वो ठीक है। जहाँ तक आपने पंजाब की बात की है संजय जी, पंजाब में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। कुछ जो मतभेद थे जिसको लेके ये इशू हुआ, जो हमारे सीनियर मंत्री साहबान थे, वो एक हमारा सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है पार्टी का, उनको थोड़ा सा ये लाइन से बाहर निकल गए, मीडिया के सामने आ गए। इनको चाहिए था, जो इन्होंने काम मीडिया में आने के बाद किया, हरीश रावत जी के पास अपनी बात रखी, पहले तो चाहिए ये था कि सीएम साहब से मिलते। सीएम साहब के साथ ये वही बंदे हैं जो 4.5 साल से उनके साथ बैठे हैं किचन कैबिनेट में। अगर कोई इनका मनमुटाव था तो वहां पे बैठ के दूर करना चाहिए था। चलो, अब जो वक्त बीत गया उसको वापस नहीं हम ला सकते। फिर ये प्रभारी जी जो हमारे पंजाब के हैं कांग्रेस के, उनके पास गए, उनकी बात भी सुनी गई, और उसके बाद आप देखिए उन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया है, हमारी जो हाई कमान है, आला कमान ने, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। लोगों की भरोसा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह में है, पंजाब के लोगों का, सारी कांग्रेस पार्टी का भरोसा जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह में है, और वही हमें लीड करेंगे। जहां तक रही सिद्धू जी की बात, सिद्धू जी 4 साल पहले आए, जो पार्टी आला कमान ने हमें आदेश दिया कि इनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाना है, वो बनाए, सभी ने दिल से स्वीकार किया, हमने उनको अपना लीडर माना, वो काम अपने अध्यक्ष का कर रहे हैं। दूसरी बाकी जो 22 में आपने कहा, एक आपकी बात मैं ऐड करता हूँ, आपने कहा जी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये वो हर एक जगह महत्वाकांक्षाएं होती हैं। देखिए 22 में उत्तराखंड के भी चुनाव हैं, हरीश रावत साहब वहां के सीएम कैंडिडेट हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब मामले के इंचार्ज से, क्योंकि इलेक्शन का टाइम कम रह गया है, 4-5 महीने रह गए हैं, तो मुझे वहां से हटा के किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाए, ताकि मैं उत्तराखंड में अपनी जो है सेवा कर सकूं और अपने इलेक्शन का देख सकूं। नहीं प्रिंस दूसरी जी, जो संजय जी एक अभी तक भी, ये तो आपने आज घोषणा की है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उसी को लेकर वहां सबसे ज्यादा विवाद होता है। मैं देखो उसी बात पे आ रहा हूँ संजय जी, मेरे को थोड़ी सी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बोलिए। मेरी ये कहना है संजय जी, देखो कांग्रेस का हमें ये बात की खुशी है कि हमारे पास बहुत ही अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं हमारे पास, जिनकी सीएम बनने की काबिलियत है, और जहाँ पे लोग होते हैं वहां पे ही महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमारे पास काबिल लोग हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने करना है। बतौर विपक्ष, विपक्ष सेंटर में हमारी कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हर एक जगह अपना पूरा रोल अच्छा निभा रहे हैं। जब हम सरकार में थे 10 साल, लोगों के हितों के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, और आज ये लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि ये बीजेपी को दोबारा 3 न 2 की सरकार देके हमने बहुत बड़ी गलती की है, और जो आज हालात हैं बीजेपी के वो आपके सामने हैं। आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, मैं आपको बताता हूं कि एकजुटता से कांग्रेस लड़ेगी और वहां पे चलिए विजय जी, प्राप्त बिल्कुल होगी। प्रिंस जी, आपके पास आऊँगा इस बात को लेके भी। एकजुटता कितनी है वो तो समय बताएगा, क्योंकि सामने बहुत सारी चीज़ें हैं।